हाय फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ बैप स्वामीनारायण टेम्पल में। ये है इसको पोलैंड माउंटेन बोलते हैं, जो पास है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। आपको थोड़ा टाइम आगे आना पड़ेगा। ये देखो, ये पूरा मंदिर का इसके और ये है मेन बैप्स का मंदिर। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से स्वामीनारायण टेम्पल का बहुत अच्छे से व्यू कराऊँगी। मंदिर के फ्रंट साइड से, बैक साइड से, ये शायद मैं बैक साइड में हूँ क्योंकि फ्रंट साइड में अभी कुछ अनाउंसमेंट चल रहे हैं, वहाँ फोटोग्राफी करने के लिए नहीं रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ये देखो कितना सुंदर से डेकोरेशन है इसका। जो आप बोल सकते हो अंदर फोटोग्राफी करना बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो मैंने फिर भी छोटे छोटे थोड़ा बहुत किया है। हाँ, कुछ और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर देख लिया उन्होंने तो आपका बोलते हैं आप या तो मंदिर से बाहर चले जाओ या फिर आप अपना फोन से फोटो डिलीट करो। क्योंकि हम मंदिर का अंदर में आ गए हैं, तो यहाँ पर देखिए स्वामीनारायण जी का मूर्ति रखा हुआ है। और यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं एक गोल्ड का स्वामीनारायण का मूर्ति है, जिसको आप अपने हाथों से अभिषेक करा सकते हो, यानी उसको आप अपने हाथों से नहला सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ 50 रुपया देना पड़ता है। और तो वो लोग एक छोटा सा प्रसाद के साथ गंगा चढ़ देते हैं, जिससे आप बोलते हैं ना मूर्ति का अभिषेक कर सकते हो अपने हाथों से। ये देखो यहाँ पे सब लोग आए हैं अभिषेक करने के लिए। ये देखो ये अंदर, यहाँ पे ग्रुप में भी कर सकते हैं, अगर आप सिंगल हो तो आप खुद भी जाके कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे है और इसका बहुत बड़ा क्रेज है लोगों में, तो सब लोग करवाना चाहते हैं। तो ये है, ये अभिषेक में हो रहा है, मैंने भी किया है, तो आप चाहे तो आप लोग भी कर सकते हो। अब हाँ, इस टेम्पल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं। पूरा वर्ल्ड में 1100 से भी ज़्यादा स्वामीनारायण का टेम्पल है, और ये मेरा पर्सनली दूसरा स्वामीनारायण टेम्पल विजिट किया हुआ होगा, क्योंकि मैंने पहले पूना का एक किया है और अभी भी ये कलकत्ता का कर रही हूँ। दिल्ली में जो अक्षरधाम टेम्पल है वो भी स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल है, और बाकी ये जो कलकत्ता का टेम्पल है इसको कोला मंदिर या भाषा मंदिर कहते हैं, बंगाली में इसको भाषा मंदिर कहते हैं। ये है मंदिर का फ्रंट साइड का हिस्सा, क्योंकि अभी इवनिंग की तरफ हो गए तो आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी भीड़ हो गया। तो आप, मैं यही एडवाइस करूँगी, अगर आप चाह रहे हो तो आप इसको वीक डेज में जाया करो। मैंने संडे को किया तो मुझे काफ़ी इवनिंग से भीड़ होता है। इवनिंग से 4 बजे से ये खुलता है, लगभग 8 बजे तक खुला रहता है, और शाम को भी आपको 1 बजे तक खुला रहता है दोपहर को। उसके बाद 1 से लेकर 4 के बीच ये बंद रहता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा टेम्पल है। हाँ, कलकत्ता से आप कैसे आ सकते हो, इसका नज़दीक मेट्रो स्टेशन है टॉलीगंज मेट्रो स्टेशन, नज़दीक नहीं बोलूँगी, टॉलीगंज मेट्रो स्टेशन से आपको कम से कम फिर 8-9 किलोमीटर जाना पड़ेगा, जो आप ऑटो में जा सकते हो। या फिर बोलते हैं ना, अभी कलकत्ता में वो जोका वाला मेट्रो का स्ट्रेच भी खुला है, तो आप जोका स्टेशन पर भी उतर के आप आ सकते हो। जिनको मालूम है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कलकत्ता है, वहाँ से भी आपको कम से कम 3 से 3.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब जाके आप बोल सकते हो। अगर आप डे ट्रिप के लिए कुछ ढूंढ रहे हो कि एक दिन में जाके आ सकते हो, तो ये स्वामीनारायण टेम्पल इसके लिए एकदम परफेक्ट है। ये और मैंने इस वीडियो पे मंदिर का बोलते ना हर एंगल से कवर अप करने की कोशिश की थी, तो प्लीज़ मेरे कोशिश को ऐसे बेकार मत जाने दीजिएगा। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहो, इस वीडियो को देखो। मैंने बोलते हैं ना, एक भी कॉर्नर नहीं छोड़ा, हर एक एंगल से इसको कवर किया। अच्छा, अभी आते हैं प्रसाद के बारे में। तो प्रसाद आपको, आप अगर अलग से खरीदना चाहते हो तो आपको मंदिर के फ्रंट में आपको मिलेगा, जहाँ से प्रसाद ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है। 100 रुपये का पैकेट होता है, 4 पीस प्रसाद रहते हैं, तो उससे आप प्रसाद खरीद सकते हो। हाँ, यहाँ पे भी आप ऐसा चढ़ा नहीं सकते, मतलब बोलते हैं ना, आप जो चढ़ावा
चढ़ाते वैसा नहीं करा सकते कर सकते हो, लेकिन आप हाँ घर के लिए प्रसाद खरीद सकते हो। और हाँ, और अगर आप चाहो तो वो जो गोल स्वामीनारायण का जो स्टैचू है उसको आप नहला सकते हो अपने हाथों से, उसके लिए आपको अलग से 50 रुपये देना पड़ेगा। तो ये है, वीकेंड्स में आप आओगे तो बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा, क्योंकि ये अभी बोलते हैं ना ये टेम्पल बहुत पॉपुलर है लोगों में, काफ़ी सारा लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। मैं ही आप पकड़ लो कम से कम 25 से 30 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया एक तरफ इस टेम्पल को देखने के लिए। तो आप देख, और हाँ आप देख सकते हो बहुत सारा गार्डन्स है, बहुत सारा ग्रीनरी है जहाँ पे आप लोग बोलते हैं ना बच्चों को लेके अपने फैमिली को लेके आ सकते हो। और जो लोग वीडियोग्राफी करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए तो ये लोकेशन बहुत 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 ही अच्छा है, वह बहुत ही बोलते हैं एकदम फोटोजेनिक लोकेशन है। तो आप बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे आओगे तो आपका मोबाइल का बैटरी कैसे खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये देखिए, मैंने बस एक छोटा सा कोशिश की थी इसको हर तरह से दिखाने के लिए ताकि आप लोगों के सामने बोलते हैं ना एक और मुझे पता नहीं है कि कितने लोगों को पता है कि कलकत्ता से मतलब ऐसा 25-30 किलोमीटर डिस्टेंस के दूर पे इतना अच्छा इतना सुंदर ये स्वामीनारायण बैक्स का टेम्पल है। तो आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले ताकि आप लोग भी आओ। मैं तो एक बार गई हूँ तो अभी कोशिश करूँगी, देखते हैं आगे और चल पाऊँगी कि नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दो, इसको लाइक करो, कमेंट करो, अपने आप में शेयर करो। ये बेसिकली आप बोल सकते हो कलकत्ता का वन ऑफ द पॉपुलर अट्रैक्शंस है। बहुत सारा लोग होते हैं ना विक्टोरिया मेमोरियल या फिर और कुछ बाबू घाट या फिर बोलते हैं ना दक्षिणेश्वर काली टेम्पल कालीघाट इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये टेम्पल के बारे में कितने लोगों को पता है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे ही कुछ दिन पहले पता चला जबकि मैंने कलकत्ता में इतना साल रही हूँ, यहाँ से ही मैं बिलोंग करती हूँ बेसिकली। तो फिर भी मुझे पता नहीं था कि कलकत्ता से इतना नज़दीक में आप इतना सुंदर टेम्पल है। ये देखो ये टेम्पल का फ्रंट है और अभी कम से कम 5:30 तो बच ही गया होगा, तो पीछे से आपको धीरे धीरे बैकग्राउंड में सनसेट का भी व्यू मिलेगा। और जितना जितना बोलते हैं ना टाइम बढ़ रहा है उतना उतना लोगों में भीड़ भी काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। जब मैं पहुँची थी तब मैं 4:30 बजे तक पहुँची थी, तब उतना क्राउड नहीं था, लेकिन अभी 5:30-6 बजे में काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा बोलते हैं ना स्टैचूज वगैरह हैं, जगह को मतलब एकदम अट्रैक्टिव करने के लिए बहुत बहुत अच्छा से इन लोगों ने बनाया है। ये देखिए ये और भाई साहब जा रहा है लेके इसको फोटो वीडियो करने के लिए। तो ये तो काफ़ी फेमस जगह है फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स के लिए, तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ तो प्लीज़ आप लोग भी जाओ और शेयर करो अपना एक्सपीरियंस, मुझे कमेंट्स में बताओ कितना लोग जाना चाहते हो, कितने लोग मेरे वीडियो को देख के इंस्पायर हुए हो ये जगह को एक्सप्लोर करने के। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और बहुत 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 ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करो, लाइक करो और मेरे चैनल